अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इस्लाम में लेक्चर नंबर टू। तो लेक्चर नंबर टू है आपके पास तकवा। तकवा को हम इंग्लिश में कहते हैं पीटी, ठीक है, पीटी। और पीटी के उसका मीनिंग होता है तकवा। और तकवा के बेसिकली मीनिंग होता है फेयर ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह का खौफ, यानी कोई ऐसा काम, यानी जितने भी बुरे काम है उसको रोके और उसका खौफ पैदा करें, ठीक है। खौफ पैदा करें उसको बोलते हैं तकवा, यानी आप तकवा अख्तियार करें, यानी बुरे कामों से बचें, यानी हराम कामों से बचें, हलाल से अपनाएं और सही काम करें, तो उसको बोलेंगे तकवा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ आयत दी हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आगे बता रहे कॉन्सेप्ट ऑफ तकवा, यानी पीटी, यानी तकवा का बेसिक मकसद क्या है, सो कॉन्सेप्ट क्या है। तो तकवा मीन्स टू क्लीननेस और प्योरीफाई द हार्ट एंड द सोल। तो तकवा बेसिकली इसलिए इख्तियार किया जाता है ताकि आप लोगों का ईमान ताज़ा हो और आपका हार्ट जो है वो आपका साफ़ हो, यानी कि बुरे कामों से, और आपका हार्ट सोल वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, साफ पाक और साफ है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ आयत दी हुई, तो आप ये देख लीजिएगा। मैं इसका ट्रांसलेट नहीं करना चाह रहा था, उसमें गलती वगैरह भी हो सकती है, वैसे इतनी ज़रूरी नहीं होती है पेपर में, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको जो हाफिज़ वगैरह जो करना चाहे वो देख सकता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आती तो बेहतर ये आप ना लिखें, क्योंकि गलती के चांसेस होते हैं। ओके, आयत है तो इंग्लिश उर्दू पेपर नहीं, तो आप लिख के आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ में आप एहतियात करें, ठीक है। वो आगे कह रहे हैं कि इमाम शाफी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इस्लाम, तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह मेंशन है कम कुरान में, जब अल्लाह के हुक्म करते कुरान में इस्टा सुनना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वो हुक्म जो होता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनना के मुताबिक होता है। तो वो कह रहे हैं सेंड विद थ्री टास्क, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया भेजा कि वो तीन काम करने के, क्या टू टीच द कुरान, यानी कुरान को सिखाया जाए, टू टीच द सुनना, यानी कि उनके सुनना पर अमल किया जाए, ठीक है। यानी जो उन्होंने कहा है तो उस पर अमल किया जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल किया जाए, ठीक है। टू शो द मीनिंग ऑफ प्योरीफाई द सोल, टू शो द मीन ऑफ प्योरीफाई द सोल। अब कह रहे हैं कि प्योरीफाई द सोल क्या होता है, प्योरीफिकेशन इज ऑब्टेन बाय डूइंग द प्रॉपर एक्ट ऑफ इबादत एंड बाय अवॉइडिंग सिंस एंड डिसऑबिडियंस। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा प्योरीफाइंग सोल, यानी हमारी रूह पाक किस तरीके से होगी या हमारा हार्ट किस तरीके से पाक होगा, कह रहे हैं कि प्रॉपर एक्ट ऑफ इबादत, यानी जो हमें इबादत दी गई है उसको हम प्रॉपर, यानी जो हमें सही गाइडेंस की तरह हमें इबादत का जो मशवरा दिया गया उस पर हम अमल करें, ठीक है। प्रॉपर एक्ट ऑफ इबादत, यानी प्रॉपर किस तरीके से बात करनी चाहिए वो हम करें, एंड अवॉइडिंग सिंस एंड डिसऑबिडियंस, यानी कि बुरे काम, यानी बुरे ख्याल जो शैतानों का काम होता है, यानी उससे हम दूर रहें और उसकी पैरवी ना करें, ठीक है। तो ये बताया गया। अब कंडीशन ऑफ अटेनिंग तकवा, कंडीशन क्या है, वो कह रहे हैं हाउ डज अ पर्सन नो डेट इस एक्ट्स ऑफ इबादत आर हेल्पिंग हिम और अचीव द तकवा। तो ये कह रहे हैं कि पर्सन को किस तरीके से पता चलेगा कि वो इबादत जो कर रहा है आर हेल्पिंग हिम, यानी कि जो तकवा क्या करने की वो जो इबादत कर रहा है, क्या वो वाकई उसे फ़ायदा देगी, क्या वो अचीव, क्या वो तकवा को अचीव कर पाएगा या नहीं। तो इस तरीके से आगे बताया गया टू डेवलप तकवा। अगर तकवा आपको डेवलप करनी है या तकवा आपको चाहिए, तो वन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, तो आपको कुछ कंडीशन पर अमल करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी ताकि आप तकवा हासिल कर लें, ठीक है। तो आगे आपको दिया हुआ इखलास, सिंसियरली इंप्रेशन डेट द एक्ट इज परफॉर्म प्रोफाइल फॉर फैसलो कॉलर, ठीक है। वो कह रहे हैं इखलास, यानी कोई भी आप काम करते हैं तो इसमें आप जो है वो अल्लाह की रजा के लिए कीजिए, ठीक है। अल्लाह की रजा शामिल होगी तो वो काम भी अच्छा होगा, ठीक है। अपना मफाद छोड़ दो उसके अंदर, अल्लाह की रजा के लिए कीजिए, ठीक है। और कोई भी काम करते इखलास से करें, ठीक है, आउट ऑफ लव फॉर हिम, यानी जो कोई भी काम करें तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं आपको, ठीक है, आगे वो कह रहे हैं टू डू द डीड, यानी कोई भी अगर आप कोई काम करें या किसी की हेल्प करें तो अकॉर्डिंग टू द ऑथेंटिक सुनने, यानी कि सुनने के मुताबिक करें। टू हैव द नेसेसरी नॉलेज ऑफ द इबादत, तो आपको इबादत की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डेट इज़ बी परफॉर्म टू हाउ टू नो हाउ द प्रॉफिट परफॉर्म द एक्शन, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से एक्शन परफॉर्म किए थे उस पर अमल किया जाए, प्रॉपर टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करें। तो वो आखिर में आपको ये कह रहे हैं द फॉर्मूला इज़ यूज टू अचीव तकवा, अगर तकवा आपको हासिल करना है तो उसका फॉर्मूला ये है कि इस साइंटिफिक स्टेट इफ़ यू फॉलो इट विल फुलफिल, यानी अगर आप तकवे को बिल्कुल अच्छी नीयत से, यानी अपनी अच्छी नीयत से, यानी 100% कोशिश करके अगर आप उसको फुलफिल करें एंड और उसकी कंडीशन जितनी भी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन पर आप अप्लाई करें, उस पर अमल करें, एंड इट्स एंड योर राइट्स, यू विल अचीव तकवा, आप उस तरीके से आप तकवा हासिल कर सकते हैं, आगे लिखा है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ तकवा फिटी इन द कुरान, ठीक है। अहमियत क्या है तकवा की कुरान में, तो ये कह रहे हैं माजी में, यानी अगर पास्ट में आप उठा कर देखें तो हर किसी ने आपको तकवा की अहमियत बयान की गई है, ठीक है। आप उन तकवे तैयार करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग टू फास्टिंग, यानी कि यहाँ एग्जांपल दी गई है फास्टिंग से, तो फास्टिंग से क्या होता है, यानी फास्ट बोलते हैं रोज़ा रखने, फास्टिंग में क्या होता है आप सारे बुरे काम से बचते हैं, यानी कि जो हम अगर ड्रामा वगैरह भी देख रहे होते हैं, गाना वगैरह हम दिनों में सुन रहे होते हैं, वो हम छोड़ देते हैं, इससे क्या होता है तकवा तैयार होता है, यानी जितने भी बुरे काम हैं आप छोड़ देते हैं, ताकि इस तरीके से हम क्या तकवा हासिल होता है। यहाँ पर आपको फास्टिंग की एग्जाम्पल दी गई है, जो कि बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। तो आगे वो ये कह रहे हो अल्लाह सेइंग ओ यू बिलीव फास्टिंग, ठीक है, अगर फास्टिंग में रखते हो तो पानी फास्ट करो, रोज़े वगैरह रखो, ऑर्डर टू मे बी ऑफ दोस हुआ ताकि तुम तकवा में से हो जाओ, ठीक है, यानी तुम परहेजगार बन जाओ, ठीक है। तो आगे बता गया, ठीक है। इसी तरीके से वो आगे कह रहे हैं दिस इज वाई द टर्म तकवा इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन इंग्लिश, तकवा का जो वर्ड है वो इंग्लिश में इस तरीके से
डिफाइन किया गया है कि इंग्लिश हैज़ गॉड कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में बराबर बताया गया है, तो ये आप चाहे तो पेपर में लिख भी सकते हैं, ठीक है। आगे वो ये कह रहा है कि तकवा द फेयर ऑफ अलमाइटी अल्लाह, यानी तकवा क्या है, द फेयर ऑफ अलमाइटी यानी एक तरीके से अल्लाह का खौफ है, इज द ओनली फोर्स डैट कैन रिस्ट्रेन मैन फ्रॉम ईवल एंड विकेडनेस। तो वो कह रहा है कि एक ऐसी ताकत है यानी एक ऐसा खौफ है जो सिर्फ वाहिद है जो कि इंसानों को बुरे कामों से बचा सकता है। कैन रिस्ट्रिक्ट मैन फ्रॉम ईवल, यानी कि बंदे को मजबूर कर दे यानी रोक दे क्या ईवल से यानी बुरे कामों से और विकेटनेस नहीं चलाती मकारी, तो इसे बताया गया, ठीक है। भाई तकवा है, इट इज़ ए फेयर ऑफ अलमाइटी गॉड, ये अल्लाह का खौफ है डेट कीप्स द हार्ट ऑफ आवर बिलीवर अवे, ठीक है। यानी बंदे का जो दिल है वो बुरे कामों से उसको रोकता है, वे एंड एनेबल्स हिम टू डिस्टिंक्शन आर्ट फ्रॉम वर्क, और सबको उसको तमीज देता है यानी तमीज बताते हैं यानी अच्छे और बुरे की, ठीक है। तो ये आपको तकवा आया गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे आपको थोड़ी सी आयत के तर्जुमे दिए मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो वो ये कह रहा है टू जस्टिस यानी इंसाफ को, जिससे स्नेरे टू फिफ्टी में कह रहा है कि इंसाफ जो है वो इसके नज़दीक है यानी तकवा के नज़दीक है। एंड फेयर ऑफ यू गॉड, और अपने खुदा से डरो, अल्लाह इज़ वेल अवेयर ऑफ यू व्हाट यू डू, तो अल्लाह तुम्हारे अमल से बाखूबी खबरदार है, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया, तो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर मैं आपको कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक चीज़ में बता दूँ, अपने पेपर में किस तरीके से लिख के आया, अगर आप तकवा का टॉपिक आ जाए तो सिंपल करने गए, तकवा का आपने लेक्चर लिख लिया, आपको जो समझ में से उसमें आए उसको आपने इंग्लिश में या नॉर्मल उर्दू में लिख के आ जाना, ठीक है। तकवा के बेसिक मैंने क्या होता है भाई, होता है परहेजगारी होता है, नहीं बुरे कामों से अपना को रोकना, ठीक है। तो बुरे कामों से रोकने में दो तो एग्जाम्पल है, तो वो आप लिखते हैं और उसकी डेकोरेशन तकवा, जैसे कि यहाँ फास्ट एग्जाम्पल लिया, तो फास्ट में क्या होता है तकवा तैयार होता है। तो उस तरीके से आप एग्जाम्पल लिखे और पैराग्राफ बहुत लंबा कर सकते हैं, और कोशिश करें कि हेडिंग बस कर दें, ठीक है। सिंपल सी एक पांच हेडिंग पर चाहे मैं बना के जाएँ, अगर तकवा आता है पांच हेडिंग सोच के जाएँ लिखे और लिख के आ जाए तो इतना मुश्किल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, उसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।